नाम था मासिर? क्या नाम था? जोगी 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 किंग, इसका नाम है जोगी। मेन पे आए बड़े ही यहाँ के अच्छे लोग हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ज्यादा नाइस। बस ठीक है। क्या नाम है? सोना। इसका नाम है जोगी। जग सोना सोना लगे। सोने पे नहीं बैठ। मॉम के घोड़े का नाम है सोना। जग सोना सोना लगे। स्नैपचैट में वीडियो बना दे प्लीज। तो अभी हम यहाँ पे इस घोड़े पे आए, इसका नाम बादशाह और दानिश बैठा हुआ था बादल पे। और आप लोग जब भी तोली पी रहे हैं लाजमी या इन दोनों पे, ये भाई बड़े अच्छे हैं इनके साथ। ये तीनों क्या तीनू। आपके बाप के घोड़े का क्या नाम है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द व्लॉग। मैं हूँ इकरा की उमर, आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं कश्मीर तोली पीर में, आप लोग के साथ यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और अभी हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल आज़ाद पतन से, हम लोग आगे आए हैं और अभी नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं कितना मज़े का ठंडा ठंडा साफ साफ पानी बह रहा है। और यहाँ पे ही पुल है, इस जगह का मुझे नाम नहीं इतना कंफर्म, बट हम वहाँ पे जाते हैं आप लोगों के साथ, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो शुरू से लेके वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं पहुंचे, यहाँ पे भी रुके हुए, जगह का एग्जैक्ट नाम नहीं पता और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। तो अभी हम यहाँ पे पहुंचे, इस जगह का नाम है, मैंने बोर्ड से पढ़ा है, गोई नाला इस जगह का नाम है। और यहाँ पे स्टे के लिए मतलब रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अभी हम लोग भी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। और इतना मज़े का यहाँ पे व्यू है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आज बड़ा मज़ा आने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा और नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से जगह जगह से पुल टूटा हुआ है और पता नहीं आएगी यहाँ से, ये नाव में नीचे गिर जाऊँ। पानी की आवाज़ आपको आ रही है, थोड़ा सा पानी है लेकिन साफ़ है। और ये पता नहीं कौन सी जगह, आई थिंक यहाँ पे पहले पुल था जो भी टूट चुका है, और अभी ये यहाँ पे पुल बना है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी चलते हैं आगे गाड़ी में, आप लोगों को फर्दर बताते हैं क्या कर रहे हैं। और अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं गाड़ी की तरफ। यस, और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। A few moments later. काफी हाइट पे भी जिप लाइन है, जो हमने ट्राई की थी वो इतनी हाइट पे नहीं थी। इतनी ज्यादा खाई है नीचे। अभी हम लोग ने यहाँ पे स्टे किया, यहाँ पे बहुत ही सुनने में आया है कि बहुत ही अच्छी आबशार है, यहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। इसके अलावा अभी हम एग्जैक्ट तोलीबीर नहीं पहुँचे, अभी अब मेरे साथ साथ आए आपको दिखाते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टूर के सारे लोग आगे जा रहे हैं। हमें तो ये लगा था कश्मीर पहुँचते ही ठंड हो जाएगी, पर यहाँ भी वैसी की वैसी गर्मी है। आई थिंक हम एग्जैक्ट कश्मीर अभी नहीं पहुँचे, है ना। सो एज यू कैन सी गाइज, अभी हम इतनी ज़्यादा हाइट पे मौजूद हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि कितने टॉप पे हम मौजूद हैं और सही तेज़ हवा चल रही है। धूप यहाँ पे भी गर्म है लेकिन हवा काफ़ी ठंडी है। अभी आगे चलते हैं, साथ आपको दिखाते हैं मज़ीद व्यू पॉइंट्स, बड़ी बड़ी फिट फिट यहाँ पे जगह आप लोगों के साथ बताएंगे, आप भी आइएगा विजिट कीजिएगा। ये यहाँ नीचे कहाँ से नज़र आएगी, यहाँ पे नीचे है। अच्छा जी, तैरना सख्ती से मना है और आबशार के पास जाना भी, क्योंकि इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। और ये रही आबशार, हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जा रहे क्योंकि ज़्यादा दूर जा के अगर हमें इससे अच्छा वो ना मिला, व्यू ना मिला, तो मज़ा नहीं आएगा और थक भी जाएंगे। अभी मेन पॉइंट पे तो हम गए नहीं हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा गहराई है और काफ़ी रास्ता दुशवार है, इसलिए हम लोग वापस जा रहे नहीं जा रहे नीचे। ऊपर आएँगे बिल्कुल थक जाएँगे, लेकिन जगह खूबसूरत है, व्यू अच्छा है। हम लोग इतनी ऊंचाई पे इस टाइम खड़े हुए हैं और इतना मज़े की यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। व्यू मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मतलब हुसैन क्या हो गया, क्या कह रहे हो, रो क्यों रहे हो, वो आ जा रहे हैं। इधर देखो चश्मा लगाओ, सब आ गए हैं क्या, उस पे लिफ्ट पे चश्मा लगाए ना, क्या नाम है। से होके जा रहे हैं आगे तोलीबीर, इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं इकरा की उमर, आज आ गई हूं मैं आपके सामने एक नई व्लॉग के साथ। तो उससे मेरा क्या फायदा, साथ मजेदार व्लॉग के साथ। आज हम लोग आए हुए हैं कश्मीर तोलीपीर, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का व्यू। बड़ा अच्छा यहाँ का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप भी है लेकिन बहुत ठंडी धूप है, और बहुत हम इन्जॉय कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ से आपको व्यू सही आ रहा होगा, पीछे अभी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे ऊपर। हम लोग जिस गाड़ी में आए वो भी ऊपर खड़ी हुई है। अभी यहाँ पर हम जहाँ जहाँ जाते हैं आपको साथ दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हमारे थोड़ा सा छोटे सा पार्क बना हुआ है, और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू है, टॉप पे ये जगह है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे स्कूल ट्रिप्स भी आए हुए हैं, और हम लोग उनके साथ आए हुए, वो ऊपर मेरा भाई, और वो देखो तुम्हारा भाई लेस का बड़ा वाला पैकेट खोल के लगा हुआ है खाने को, वो जैसे कि देख सकते हैं आप ऊपर, इस वजह से इन लोगों ने हमें साइड पे भेज दिया। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और बोतलें चल रही हैं, यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, हम भी जाते हैं, हम भी खाते हैं। यस समझ लगी अब तुम्हें, शानी की बात समझ में आ गई। और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू है, और ये देखें आप, यहाँ पे छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, ट्रिप्स वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, और हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये देखें जी, दानिश और असद तशरीफ़ ला रहे हैं, बा अदब बा मुलाहिज़ा, छोटा सा बच्चा एक स्कूल ट्रिप के साथ आया हुआ है। क्या गिर जाओगे, ला यार इसकी गांव देखो, ये ना सीधे जो है ना इस्लामाबाद से मिलो, यहाँ से गिरो तो सीधा गा चल जाएगी कि भाई ये आवाम नहीं बदलेगी, इनके कान चेक करें जरा। यहाँ पे सी सो एंजॉय हो रहा है, सर दानिश और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट असद तमाम। चलें जी अभी हम ऊपर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कैसा व्यू है। A few moments later. बिल्कुल बस हो गई। चलो। यार वो मेरे ख्याल से वो ऊपर कह रहे हैं। नीचे बैठ गई मेरे साथ ना। हेलो। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा सा डिस्टेंस हमने कवर किया यहाँ पे पहुँचे, और अभी सुनने में आ रहा है कि आगे 2 किलोमीटर हमने और चलना है, और वहाँ पे सही बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आके आप मतलब हॉर्स राइडिंग से भी आप ऊपर आ सकते हैं, बट हमने डिसाइड किया कि हम हाइकिंग करते हुए आएंगे, क्योंकि हमने कहा साथ व्यू भी अच्छे से इंजॉय करें, लेकिन हमें लग रहा है कि ये हमारा गलत फैसला था। अभी हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते हैं। यहाँ का व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त है, यहाँ से आपको बहुत से पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, कैमरे में वैसे कैप्चर नहीं होगा, लेकिन सामने ग्लेशियर्स वगैरह से यहाँ से नज़र आ रहे हैं, वाइट वाइट बर्फ़ पड़ी हुई है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी चलते हैं आगे, साथ साथ आपको दिखाते हैं, साथ रहिए हमारे, बाय। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले के साथ यहाँ पे टक शॉप्स बनी हुई हैं, और थोड़ी थोड़ी रिफ्रेशमेंट्स भी है यहाँ पे, ऊपर जाते हुए रास्ते से खाते पीते हुए इंजॉय करते हुए वेदर को आप जा सकते हैं। आज कल फिर भी हवा चल रही है, वजह से बन रहा है खाना बड़ी से रिचे में। ये देखिए हम अभी जा जाए, इधर व्यू नहीं आ रहा, इधर ही साइड आ जाए। अभी थोड़ा सा आगे आए, फिर स्टे किया, थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, सही ठंडी ठंडी हवा है, और अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है, यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुके, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन उस तरह से शो नहीं हो रहा। अभी बाकी हमारे साथ जो लोग आए हुए थे वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी हम जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं और इस ब्यूटीफुल जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये आना था ढाबा, इसके पास हम पहुँच गए। यार गाना नहीं है कोई बड़ा वाला, गाना तो भाई ये था कि एक ही गाना था मेरे पास, हाइकिंग कर लेते हैं। फादर जमीन के साथ लग रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं, नहीं मैं कुछ भी नहीं लेती, पानी लेना है देखती हूँ, और वो उधर टॉप पे हमें जाना है, और यहाँ से पहाड़ छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे,
सांस फूल गई है और माशाल्लाह इतनी क्यूट क्यूट सी हिजाब में बच्चियाँ नजर आ रही हैं, मेरे रिश्ते की बच्चियाँ हैं शायद। लुकिंग वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। सांस बड़ी फूल गई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चढ़ाई है, यूँ सीधी कुछ जगह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन कुछ जगह ऐसे सीधा ही है। यहाँ पे हम थोड़े रुके, फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो काफ़ी नीचे रह गई है, उसे बिल्कुल भी नहीं चलने हो रहा। कितना ले रहे हैं एक ऊपर जाने का फुल? फुल दरबार तक? फाइव हंड्रेड नहीं नहीं 250 3000 यहाँ से कितना लेंगे? 300 है, 300 सर यहाँ से कितना लेंगे? यहाँ से ही बोल रहे हैं ना, आपका दिल करे दे देना, कोई मसला नहीं, हम व्लॉग बना रहे हैं। बना ले, मुश्किल नहीं है। इसका क्या नाम है? बच्चा डॉन। बच्चा डॉन। हलीमा सादिया, जरा सस्ते वाली हलीमा सुल्तान। हलीमा गजब बेइज्जती है। जाओ दवा जब तुम्हें चलो चलो आपकी वीडियो भी अच्छी। हमारी बिल्कुल बस हो चुकी थी, सांस बिल्कुल फूल चुकी थी, सो वी डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग करने। अभी जा रहे हैं हम टॉप पे, आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही कुछ मॉडर्न वाली हलीमा सुल्तान है। वीडियो अच्छी नहीं आ रही, मैं अभी इधर ऊपर रहता हूं। बंसी हो बंसी मेरी वीडियो बना रहा है। सो गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स अ डिफरेंट व्लॉग। दानिश दूसरी तरह अभी बनाओ, मेरी करीब से बनाए। सो गाइस अभी यहाँ पे दो भाई मिले, बहुत बहुत नाइस हैं उनके। ये आगे वाला ब्लैक वाला हॉर्स दानिश ने लिया, वाइट वाला मैंने लिया बिकॉज मुझे वाइट कलर पसंद है। अभी आगे जा रहे हैं, हमने सुना है कि यहाँ से आगे टॉप पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा व्यू है, और मैं फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ, यानी कि ऐसे खुले में, वैसे मैं मरी जाती थी तो आगे से ने पकड़ा हुआ होता था, और मतलब घोड़े को, और मैं पीछे बैठती थी। आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। नहीं इसको खींचो तो भागेगा, ज़्यादा तेज चलेगा। अच्छा छोड़ें, अच्छा ये देखें अभी हम जा रहे हैं, अभी मज़ा आ रहा है, अभी लग रहा है तौली पीर पहुँच चुके हैं, और इंतहाई खूबसूरत कश्मीर में रावला कोट में इस टाइम हम मौजूद हैं। ये सामने मेरा भाई है, जैसे कि आपको दिखाएंगे, थोड़ा जूम कर लें, मैं चाह रही हूँ इस तरह करूँ, इस तरह कैसे चलेगा? भगाना पड़ेगा, खुद ही खड़े था। लोग यहाँ ऊपर से आ रहे हैं, और ये देखें ये मेरा भाई आगे आगे जा रहा है, दिल तराशा चुप शवाना। हमें सारी जबानों के दो दो लफ्ज ही आते हैं। वो पीछे हैं, अच्छा मेरी फ्रेंड और उसका भाई है वो पीछे हैं, तो मेरा प्यारा सा वाइट वाला, क्या नाम था इसका? बादशाह डॉन। मेरे साथ बादशाह डॉन इस टाइम मौजूद है, मेरे सफर का साथी, और उसका क्या नाम है? उसका बुलेट एंड बादल। ओह माय गॉड, इतना मुश्किल नाम, बुलेट एंड बादल। अच्छा आगे बादल पीछे बादशाह। ओह माय गॉड कितना ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू है। आगे सामने ग्लेशियर है, हाँ जी आगे ग्लेशियर है, मुझे मेरा भाई गाइड कर रहा है। फर्स्ट टाइम हम इतने दूर ट्रिप पे आए हैं और पीछे सारे लोग आ रहे हैं। भाई इस टाइम कह रहा है इकरा टिकटॉक नहीं फॉर्मिश माड़ी वीडियो बना, तो पहले उन्होंने वीडियो बनाई कि दानिश साहब ने, फिर अगर जिलने तौली पीर कश्मीर। थोड़ी लास्ट व्लॉग में सब समझ रहे थे कि हम कश्मीरी ज़ुबान की मजाक बना रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कश्मीरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और हम दानिश को कहते हैं कि बोल के दिखाओ, क्योंकि इसका फ्रेंड है वो भी कश्मीरी है, और मतलब ये इसको आती है, तो ये जब बोलता है तो अच्छा लगता है, तो इस वजह से दानिश थोड़ी सी कश्मीरी बोलना ज़रा कश्मीरियों के लिए। कौन चलने दिया? कश्मीर तौली पीर आए दिया। ये पलंदरी वालों की है, रावला कोट वालों की आई थिंक और जुबान है। कौन जुल दे दिया? कौन जुल दिया? दरबार पर जुलने हमें तो बस यही आता है, कौन जुलने दिया।
امتنا شد الحيل ويلا نستشطها الخيل وهيت يا امتنا شد الحيل ويلا نستشطها الخيل وهيت والعزه والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينه ونرفعها رايتنا بينا حليمه سلطان قاسم سلطان اردني كمان زي سلطان चल बदल चल अरे मेरा बच्चा अच्छा ये लेके जाएगी इंशाल्लाह मेरे मुंह पे वो चढ़ा हुआ है ना मैं भी गई हूं स्नैपचैट में वीडियो बना दे प्लीज तो अभी हम यहां पे इस घोड़े पे आए इसका नाम बादशाह और दानिश बैठा हुआ था बादल पे और आप लोग जब भी तोली पी रहे हैं लाजमी या इन दोनों पे ये भाई बड़े अच्छे हैं इनके साथ ये तीनों क्या आपके बाप के घोड़े का क्या नाम है क्या नाम था मासिर क्या नाम था जोगी 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 किंग इसका नाम है जोगी इन पे आए बड़े यहाँ के अच्छे लोग हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ज्यादा नाइस बस ठीक है क्या नाम है सुना इसका नाम है जोगी जग सुना सुना लगे सुने पे नहीं बैठ मॉम के घोड़े का नाम है सुना जग सुना सुना लगे दानिश थंबनेल की पिक्चर करते हैं देखते हैं अभी तो वीडियोस बना रहे हैं और ये रहे हमारे बादल बुलेट बादल बादशाह और ये सुना मॉम का जग सुना सुना लगे मॉम क्या कर रही हो फिर अभी हम लोग हाइकिंग करके काफ़ी ऊपर आए थे फिर वहाँ से हम हॉर्स पे मतलब हॉर्स राइडिंग करके हम लोग आए और ये सारा यहाँ का व्यू है ये व्यू देखने के लिए और कभी एकदम छाँव हो जाती है कभी एकदम यहाँ पे धूप हो जाती है लेकिन ठंडी वाली धूप है काफ़ी ज़्यादा और भी टूरिस्ट आए हुए हैं और मोस्टली तो यहाँ के मुकामी लोग भी हैं कश्मीर के अभी हम लोग चलते हैं मेन डेस्टिनेशन पे अपने वहाँ जहाँ पे सारे हैं और देखें पीछे कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है कितनी खूबसूरत ये मीडोज़ बनी हुई हैं और अल्लाह की तरफ से कुदरती नज़ारे हैं अभी यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को अभी हम लोग वापस जा रहे हैं तोली पीर से बंजोसा झील शायद हम लोग जाएँ अगर हम लोग वहाँ पे जाएँ अगर हम लोग वहाँ पे गए तो आप लोग के साथ वहाँ का भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कुछ बताना चाहें तो बता दें एग्जैक्टली ये लोग आए हैं वांडर ट्रेल के साथ दिस इज साद मलिक आप लोग अपने कस्टमाइज ट्रिप्स हमसे बुक करवा सकते हैं इन इन एक्सपेंसिव रेट्स बहुत चीप रेट्स आपको मिलेंगे विद गुड फैसिलिटीज़ और अभी वी आर राइट नाउ एट टोली पीर यहाँ से हम लोग बंजोसा लेक की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह हमारा लाला लंच होगा फिर वहाँ से फिर डिपार्चर हम लोग बैक करेंगे इस्लामाबाद के लिए फ्रेश फ्रेश फ्राइज यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े हाँ जी दानिश मेरे ब्लॉग में पटवारी ना बोले ऐसा कैसे हो सकता है चलो फिर असा भी चलने खैर काफी ज्यादा हार्ड क्लाइंबिंग के बाद हमें जो है ना इतना अच्छा व्यू मिला है दानिश मेरे पास कैप है इफ यू वॉन्ट दानिश वाओ बटरफ्लाइज वापसी पे जा रहे हैं इंशाल्लाह वापसी हम जा रहे हैं अभी इतना अच्छा यहाँ पे व्यू है आपको जैसे कि दिखा सकते हैं दानिश आप ये ले हमने किसी की बकरी पकड़ ली है छोटी सी इसका दूसरा साथी भी है वो है मॉम स्नैपचैट प्लीज तो अब
अभी मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ। अगर आप हाइकिंग करके ऊपर आना चाहते हैं तभी आप ऊपर आ सकते हैं। हमारे पीछे वो आ गया घोड़ा जिस पे हम बैठ के गए थे, राइड करके गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जाते हुए आप हॉर्स राइडिंग करके जाएँ, इतना आप थकेंगे भी नहीं। 500 लेते हैं ये और फुल आपको मेन पॉइंट तक ले जाते हैं और वापसी भी ये उतरा ही होती है, इतना मसला नहीं होता। अगर जाते हुए आप हॉर्स राइडिंग को प्रेफर नहीं करेंगे तो आप थक जाएंगे और आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकेंगे और थक भी जाएंगे बिल्कुल। तो अभी जाते हैं बस की तरफ। हम वापस आ गए हैं तौली पीर से, काफ़ी जल्दी थोड़ा पहुंच गए क्योंकि उतराई थी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चले और अभी हम बिल्कुल बस की तरफ जा रहे हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी दोस्त भी बहुत थक गई है और सारे ही बहुत थक गए। हम लोग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे स्टे कर करके, अभी बस में जाके आपको मज़ीद डिटेल देते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप ज़्यादा गर्मी के मौसम में यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए क्योंकि बहुत यहाँ पे जो है ना ज़्यादा गर्मी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ टॉप पे आप आएंगे और ठंडा ठंडा फील होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे आके काफ़ी गर्मी फील हो रही है। इनफैक्ट हम लोग अपर साथ लाए हुए थे शॉल्स वगैरह, लेकिन कोई उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आगे का क्या है, आगे किधर जाना? अभी आगे हम बंजोसा झील वाली साइड पे जा रहे हैं और आप लोगों को साथ साथ अपडेट करते हैं। गाड़ी खड़ी तो अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अंदर चलते हैं। सो वी आर लिविंग राइट नाउ तौली पीर से, अभी हम जा रहे हैं बंजोसा की तरफ।